पर। और आज एक ऐसी कहानी हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो आप सभी को बहुत प्रेरित करेगी, आपके जीवन को बदल देगी, आपके सोचने के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देगी। एक ऐसी कहानी हम आपके बीच में लेकर आए हैं, और उस कहानी के साथ साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आपके बीच में लाए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता का इतिहास रच दिया है। हम कह सकते हैं इतिहास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पृष्ठभूमि को देखते हुए, हमारे क्षेत्र को देखते हुए और यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए एक बहुत बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा राजेंद्र राणा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत, और राजनीति शास्त्र के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मतलब एक बहुत बड़े कंपटीशन को आप फेस करके आए हैं, और पूरे स्टेट लेवल का कंपटीशन को आपने फेस किया। UKPSC के एग्जाम में आप बैठे, आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, इंटरव्यू को क्वालिफाई किया, और अब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं कॉलेज को। तो ये पूरी यात्रा आपकी रही, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ बहुत बहुत राजेंद्र। धन्यवाद हिमांशु तो आप जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इस सफलता को प्राप्त करने के बाद? महसूस की बात करें तो क्योंकि एक ऐसा सपना जो कि हमने लगभग आज से 7 साल पहले देखा था, उस सपने को 7 साल की कठोर मेहनत के बाद प्राप्त किया है, बिल्कुल तो खुशी होना जाहिर है बिल्कुल और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल और उसके अतिरिक्त क्योंकि जब आप एक सफलता के मुकाम को छू लेते हैं बिल्कुल तो उसके पश्चात दुनिया आपको जानना प्रारंभ करती है, बिल्कुल और जब वो आपसे मिलते हैं, आपको बधाइयाँ देते हैं, आपसे पूछते हैं बार बार कि आपने आखिर कैसे किया, क्या किया, बिल्कुल तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। क्योंकि इससे पूर्व भी PG कॉलेज गोपेश्वर में हम अध्यापन का कार्य कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल और पिछले 3 साल से कर रहे थे, बिल्कुल पर ये पूरा डिटेल, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़े हैं, ऋतिक सती जी हमारे साथ जुड़े हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आपसे चाहूंगा आप लोग कमेंट भी जरूर छोड़ें आप अपना, और कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज राजेंद्र जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग कमेंट कमेंट भी करिएगा, और साथ में आपको शेयर भी करना है क्योंकि आज आपको अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे जोड़ना है, और ताकि आप सभी लोग प्रेरित हो सकें। उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा की एक कहानी, एक छोटे से गाँव से निकला हुआ व्यक्ति, एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक युवा, और एक सामान्य से माहौल से, और एक बड़े मुकाम को जब हासिल करता है, क्लास 1 की पोस्ट को जब गेन करता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हमारे और आपके, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो सर्कल है वो सभी लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग हैं, तो हम सभी को ये बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे। तो आप लोग शेयर भी जरूर करें, ये मेरा आपसे आज विशेष अनुरोध रहेगा। अच्छा, तो राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में स्वयं बताएं सबको, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और किस तरीके से आपका स्ट्रगल रहा है आगे। चलिए, पहले तो काफ़ी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद है। और पृष्ठभूमि की बात करें तो मेरा जो जन्म है वो जोशीमठ ब्लॉक के चाई गांव में हुआ है, और जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो KV जोशीमठ से हुई, और 10वीं करने के पश्चात, क्योंकि पढ़ने में ऐसे होनहार छात्र हम थे नहीं, तो हमको उसके बाद वहाँ से विदा कर दिया गया KV जोशीमठ से, और बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, अबाउट 48 के आसपास मेरा स्कोर था 10th क्लास में। उसके पश्चात इंटरमीडिएट, मायने नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, एक कथन नहीं मुझे आप याद नहीं आया आपने जब कि कहा, मायने ये नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं, मायने तो ये रखता है आपको जाना कहाँ है, और आप जहां पे हैं आप कहीं ना कहीं अब ये कहानी सार्थक हो रही है। आप पूरी कहानी जरूर बताएं। नहीं आपने कहा पूरी स्टोरी बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं लोगों को बिल्कुल प्रेरित करे, प्रेरित करेगी, तो बिल्कुल इसलिए मैं उसे उसी भाव से बताने का प्रयास डेफिनेटली कर रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल बिल्कुल जिस भाव से ये कहीं ना कहीं निश्चित लोगों रूप को से जैसा प्रेरित आपने करे। महसूस किया है जी, बिल्कुल तो जैसा मैंने बताया 10वीं KV जोशीमठ से है। उसके पश्चात मैं जो GIC जोशीमठ है वहाँ से इंटरमीडिएट किया, एक चाह थी कॉमर्स पढ़ने की क्योंकि मैथ्स अच्छी थी, तो उसके लिए क्योंकि जोशीमठ में फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी और उसके लिए मुझे कम से कम गोपेश्वर आना था, और क्योंकि जब मैं जैसा मैंने बताया एक होनहार छात्रों में से हम नहीं थे, तो घर वालों ने उसके लिए सहयोग नहीं किया, और आज की डेट में लगता है कि अच्छा ही किया जो सहयोग नहीं किया, और उस कारण हमको GIC जोशीमठ में 8 हमने उससे पहले, क्योंकि 10वीं तक अब तो नॉर्मल ही है, सभी विषयों को आपको पढ़ना होता है, पर पहले आप 9वीं से भी 800
का स्पर्श थे, तो एक बहुत ही दुखद, ये मैं कहूँगा अभी भी हमको देखने को मिलता है कि आर्ट्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक संकीर्ण दृष्टि से, एक निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भाव हमने जीआईसी जोशीमठ में देखा, और उस भाव को कहीं ना कहीं एक ऊर्जा के रूप में लेने का प्रयास किया कि वही आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। जी मैं बता रहा हूँ, तो जब ये भाव दिया तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने डॉक्टर सुनील सर का, जो कि साइकोलॉजी के टीचर थे वहाँ पर, धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर कंडारी जी का, जो कि पॉलिटिकल साइंस, जो कि मेरा अभी विषय है, उसके गुरुदेव थे, और उन्होंने एक ऊर्जा भरी कि आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को आप कभी भी निकृष्टता के भाव से न लें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे अवसर ऐसे हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊर्जा मिली, और क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र था तो इसलिए सिलेबस भी काफ़ी ईजी सा लगता था, हिंदी और इंग्लिश का, जो कि काफ़ी, हिंदी तो खैर नहीं पर इंग्लिश जीआईसी के बच्चों के लिए आप जानते हैं कि टफ सा महसूस होता है। तो अध्ययन अध्यापन का कार्य वहाँ भी कम ही चला, और बड़े मजे से 2 साल गुजर गए। 2008 में मैंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ थर्ड डिवीज़न 42% कहूँगा, सॉरी 44% के साथ, और मैंने अपना जो है इंटरमीडिएट क्रॉस आउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप लगा सकते हैं कि जो छात्र सुन रहे हैं, बहुत से छात्र सुन रहे हैं, आप पीछे क्या थे ये मायने नहीं रखता, आप आगे कहाँ तक जाएंगे वो जरूर मायने रखता है। तो इसलिए मैंने स्टोरी आपको पीछे की बताई, और यह बताना कहीं ना कहीं जरूरी था। इंटरमीडिएट तक भी, जो कि माना जाता है कि बेसिक शिक्षा होती है, जहाँ तक कि आपको बहुत सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए, वो नीड्स अगर आप पूरी नहीं भी करते हैं तो वो मायने नहीं रखती। जीवन के 4 साल आप किसी भी समय पढ़ लें, वो 4 साल चाहिए आप 9 से 12वीं पढ़ लें या उसके बाद, 9वीं के बाद की बात कर रहा हूँ, जीवन के 4 साल आपको मेहनत करनी होती है, चाहे आप 9 से 12वीं कर लें या उसके बाद भी वो 4 साल आप ले सकते हैं। और मैंने ऐसा ही किया, इंटरमीडिएट करने के बाद अपने 2 सालों को एज अ बर्बाद भी कह सकते हैं, और एज अ क्योंकि कहीं ना कहीं सीख मिलना आपको ज़रूरी होता है, तो 2009 और 2010 में एज अ फोटोग्राफी का काम करने के लिए मैं बद्री विशाल जी की भूमि में गया, और 2 साल बड़ी सफलता के साथ कहूँगा इस कार्य को किया, और बहुत अच्छा मेरा ख्याल जो इनकम अभी मुझे यहाँ से एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर प्राप्त होगी, उस इनकम को मैं वहाँ प्राप्त कर ले रहा था। ठीक है, तो मतलब सालाना जो टर्नओवर कहे, जो भी इनकम है, 4 लाख 5 लाख के आसपास हम इसको प्राप्त कर लेते थे। मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता कि वहाँ से सीखा क्या। उसके पश्चात मेरे छोटे भाई और कुछ अनुज, उन्होंने कहा कि हम गोपेश्वर जा रहे हैं अध्ययन के लिए, तो जैसा मैंने बताया कि 10वीं के बाद गोपेश्वर पढ़ाई करने आने का मन था, तो वो अवसर प्राप्त हुआ, और कुछ चंद रुपये मेरे पास थे जो बचाए हुए थे, तो उन चंद रुपयों के सहारे मैं गोपेश्वर शहर को आ गया। और कहीं से कोई सहयोग नहीं था, अब इसका ये नहीं समझना कि घर वाले सहयोग न कर रहे थे, क्योंकि जो कैरेक्टर था कुछ इस प्रकार का बना लिया था, तो इसलिए कोई भी सहयोग नहीं कर रहा था, अपने ही इनकम के माध्यम से। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर को मैंने 2011 में यहाँ कंप्लीट किया, और क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी, किंतु लगभग 2011 के दिसंबर की बात होगी, मैं बीमार पड़ गया था, और जीवन का वो समय जिसने पूरी जो सोच का तरीका है मेरा उसको पलट दिया, क्योंकि बहुत मेहनत करने के पश्चात मैं बीमार पड़ा और अपनी परीक्षाओं को भी बमुश्किल दे पाया। यानी कि जो मेरा इंग्लिश का पेपर था, मुझे आज भी याद है कि आधे घंटे से अधिक मैं पेपर में बैठ नहीं पाया था, क्योंकि तुरंत ही सर्जरी के पश्चात मुझे अपना एग्ज़ाम देना था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, अब जो सक्सेस की स्टोरी का जर्नी स्टार्ट होती है। मित्र मिले अच्छे, और उन मित्रों के सहारे से अपनी एजुकेशन को आगे तैयार किया, और 2012 में जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, उस समय इतनी मेहनत की कि लगभग 750 एक मेरा मित्र छूट गया था, और मैं दूसरे नंबर की पोजीशन को प्राप्त किया, और जीवन में पहली बार ऊंचाई पर जाने के बाद क्या आनंद आता है उसको जीवन में पहली बार महसूस किया,
और उस दिन के पश्चात हमेशा ऊंचा उड़ने की या ऊंचे स्थान पर तक जाने की जो चाह है वो जीवन में भरी। उसके पश्चात काफ़ी छात्र छात्राएं सवाल भी करते रहते हैं कैसे प्रिपरेशन किया, तो एनटीए नेट के बारे में सुना और यूसेट के बारे में नहीं सुना था, एनटीए नेट के बारे में सुना और उसकी प्रिपरेशन को धार बनाया, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षा हमको उसी समय बता दिया गया था, ये एक आईएएस की जो परीक्षा होती है सिविल सर्वेंट की, उसके पश्चात भारत की ये कही जा सकती है कि दूसरे नंबर की कठोर परीक्षा है। आईआईटी जेईई मेंस ये जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ऐसे प्रशासनिक क्षेत्रों में आने के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा है, तो उसकी तैयारी की और 2013 से ही उसकी प्रिपरेशन करते रहे, साथ में पीजी करते रहे 14-15, तो 2013 में ग्रेजुएशन पास आउट हुए और 15 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, दोनों ही पीजी कॉलेज गोपेश्वर से किया। जितने भी लोग बधाइयां दे रहे हैं सबका हार्दिक धन्यवाद है मेरी ओर से। और 15 में क्योंकि नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उत्तराखंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आया और उस 15 में ही उस टेस्ट को पहली बार दिया और जीवन में पहली बार में ही उसमें सफलता हासिल कर ली थी, और वही जो सफलता थी वो सफलता जो 15 में प्राप्त की थी उस सफलता के दम पर आज जिस पद को मैंने प्राप्त किया है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस वो उस सफलता के दम पर ही मिला है, क्योंकि नेट की परीक्षा जिसके लिए मैं 2013 से ही प्रिपरेशन कर रहा था वो कहीं जाकर दिसंबर 2017 में मैं उसको प्राप्त कर पाया था, और उससे पहले इसके फॉर्म आ चुके थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, और ये कह सकते हैं कि जो यू सेट की परीक्षा पास की थी उसके दम पर ही आज यहाँ हूँ। बिल्कुल। अब आगे की जर्नी की बात करें तो क्योंकि आपके चैनल से मैं पहले से जानता हूँ कि आपके चैनल में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल इस जर्नी तक की स्टोरी काफ़ी रहेगी। आगे की जर्नी का जो लक्ष्य है कि अपने जैसे कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक छात्र हम निकाल सकें, और ये मेरा आगे का लक्ष्य है, और इससे अधिक मुझे नहीं लगता कुछ कहना तो, चाहिए। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है, क्योंकि अब आपके सवालों का मैं जवाब दे दूंगा अगर कोई जितने लोग जुड़े हुए हैं कोई सवाल अगर किसी का हो। जी बिल्कुल, ये तो आपकी शैक्षिक और जो आपकी संघर्ष की यात्रा है और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हो आपने पूरा वर्णन किया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसके बाद से भी आप लगातार 2016 में आप बता रहे हैं कि आपने यूसेट की परीक्षा पास की थी और अभी 2021 है, तो ये पिछले 5 वर्षों की यात्रा है, क्योंकि ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अच्छा। और इस बीच आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और कई ऐसे जो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जीवन के वो भी आपने अनुभव किए हैं, तो कैसे वो यात्रा रही उसके बारे में भी आप जरूर, क्योंकि केवल हम एकेडमिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप मनुष्य अपने आप में एक भावनाओं से भरा हुआ प्राणी है, तो वो भावनाएं वो इमोशंस क्या आपको क्या लगता था 2016 से, अभी तो आप बन चुके हैं तो अभी एज अगर पीछे को देखें तो ऐसा लगता है कि सिंपल सी चीजें चली आ रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो उतार चढ़ाव जीवन के अंदर आते हैं कई बार आपको लगा होगा कि आगे क्या होगा जी। तो 2016 में जो आपने यूसेट क्वालिफाई किया था तब आपको क्या लगता था कि ये यात्रा आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी होगी, कब होगी, कितना समय लेगा, और क्या उस समय आपके मन में विचार चलते थे, थोड़ा वो उहापोह की स्थिति स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी के जीवन की स्थिति है जी, तो जी। आप इस बीच की अपनी यात्रा को भी समझाएं और साथ में आपने इस बीच क्या क्या किया और कैसे आपने उन विचारों पर और उन भावनाओं पर काबू पाया, जो कि एक सफलता से जो एक दूरी होती है उसका जो अनुभव होता है वो कैसे आपको प्रेरित करता था, क्या आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप भी एक छात्र रहे हैं और अभी वर्तमान में भी, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक हमेशा ही एक छात्र बना रहता है, बिल्कुल, अपने विषय का हो या समाज का हो या इस पृथ्वी को जानने का हो, कुछ भी जानने का हो, एक छात्र हमेशा ही बना रहता है। तो जो आपकी जिज्ञासा है कि 2015 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया था, उसके पश्चात जॉब पाने तक और जो बीच का समय है उसमें जो उठा पो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में होती रहती है, उस पर आपने कैसे काबू पाया, और जो छात्र अभी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं वो कैसे काबू पाएं। मेरा ख्याल पोस्ट ग्रेजुएशन का, क्योंकि एक उत्तराखंड की जो पारिस्थिति जो हैं, इसलिए ऐसा मन में जरूर था कि जब भी पोस्ट आएगी हम उस पोस्ट में जरूर चले जाएंगे, और उसके लिए 2 वर्ष, क्योंकि 17 में
एज ए गेस्ट फैकल्टी में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में ज्वाइन कर लिया था, पर जो 2 वर्ष का समय है जरूर आपके मन मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं क्या होगा, कैसे जीवन आगे चलेगा, तो उन पर काबू पाने की कोशिश की गई। उसके लिए 1 वर्ष का समय तो मैंने, क्योंकि ये था कि 2015 में भी कुछ पोस्ट आई थी एज अ गेस्ट फैकल्टी, तो दिसंबर तक तो ये था कि उसकी प्रिपरेशन करते रहे और ये था कि वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे और ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि संख्या कम होगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। दिसंबर में 2015 में जो पोस्ट आई थी उसने बताया कि जीवन में आप जैसे कहीं लोग इस जहां में पड़े हुए हैं, आपको उनमें बेस्ट जो होगा उसका चयन किया जाएगा, तो उसके लिए अपनी मेहनत को और तेज किया, बल्कि ये सोच के कि इतने हैं कैसे होगा, पोस्ट कम है, वो सोचने के बजाय ये कि कम से कम एक पोस्ट तो होगी और उस पे कोई ना कोई जरूर चयन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पे कोई और क्यों, हम क्यों नहीं, बिल्कुल। तो इस भावना भाव को रखते हुए मेहनत को और तेज किया गया, बिल्कुल। और ऐसा कोई विचार कि नहीं होगा, मतलब उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स वाले जो चैनल्स हैं उनका सहारा लिया गया, सिस्टर शिवानी दीदी हैं उनको सुना, उससे पॉजिटिव एनर्जी रही और नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखा गया। नकारात्मक जो भी व्यक्तित्व है जो आपको नकारात्मक बनाते हैं उन व्यक्तित्व से दूर रहने की कोशिश की गई और ऐसा किया। जितने भी लोग आपको नकारात्मक बनाते कि कैसे होगा, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, उन लोगों से आप दूर रहें और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी, या तो आप पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के पास रहें या अपने आप में खुद पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करें, तो ये 2 माध्यम बचते हैं जिससे कि आप अपने आप को नकारात्मक सोच से दूर रख पाते हैं। तो और इसके अतिरिक्त तो जैसा मैंने बताया 15 के बाद 17 में एज अ गेस्ट फैकल्टी मैंने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में ज्वाइन किया था और उसके बाद बच्चों के साथ समय कैसा गुजरा उसका तो पता ही नहीं चला, क्योंकि बच्चे हैं उसी से एक शिक्षक है। वो भाव हमेशा मेरे मन में रहा कि पहले छात्र हैं उसके बाद ही हमें, और छात्रों से एक शिक्षक है, ये भाव हमेशा मन में रहा और इस कारण कोई ऐसी परेशानी नहीं रही कि कैसे समय कटेगा कैसे, क्योंकि आर्थिकी भी जिस भी हालत में है आर्थिकी भी प्राप्त हो रही थी। इस बीच 2017 में मेरा विवाह हुआ और 2018 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और अभी पिछले ही माह पुत्र तीन, अगले माह पुत्र 4 साल का हो जाएगा, 4/4 साल उसे लग जाएगा। तो ये मेरी पूरा इतिहास आज आपने कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश की और ऐसा शायद जीवन में पहली बार हो रहा होगा कि मैंने अपना इतना बड़ा इतिहास किसी, चलो आपके चैनल से ही सही, कहीं लोग जानना चाहते थे तो जैसा मैंने बताया कि पहले तक बताना भी अच्छा नहीं लगता, अगर कोई जानना भी चाहता है तो जब आप एक मुकाम को छूते हैं तो एक अच्छा सा फीलिंग्स भी आती है अपने बारे में बताने का, जिससे कि कहीं ना कहीं कोई कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई भी कम से कम प्रेरणा लेकर उस राह पर चलने की कोशिश करें। तो ये रही जर्नी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रेरक आपकी जीवन यात्रा रही है और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और जो आगे भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग जो जुड़े हैं सभी शेयर भी इसको करते रहेंगे, तो जब वो शेयर करेंगे बहुत सारे लोग जब देखेंगे आपकी यात्रा से निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। और जो एक नकारात्मकता का भाव कई बार आ जाता है कंपटीशन को देखते हुए या समय को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं उससे ओवरकम करने में जब वो अपने संघर्ष की यात्रा से जूझ रहे होंगे तो उस वक्त आपका चेहरा उन्हें याद आएगा और आपका चेहरा और आपकी बातें उन्हें बल प्रदान करेगी, उन्हें शक्ति प्रदान करेंगी कि वो अपनी सफलता की यात्रा में आगे बढ़ पाए। तो ये तमाम बातें आपने बताई और अपने जीवन के बारे में आपने बताया और तमाम उतार चढ़ावों के बारे में आपने यहाँ पे अभी हमारे सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जानकारी आपने दी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी आपका कुछ एक संदेश होगा, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो लोग और क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन आगे की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग अभी हाल ही में अभी बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं तो कुछ एग्जाम्स अभी होने हैं, UKPSC के बहुत सारे एग्जाम होने हैं, आगे PCS का एग्जाम आने वाला है, साथ में UK SSSC के बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ टीचिंग एग्जाम वाले हमारे साथ जुड़े हैं, LT लेक्चरर के फॉर्म वाले, तो ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उन्हें किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने मनोबल को बना करके कैसे पॉजिटिव रहें, एक सकारात्मक का संदेश, और कैसे तैयारी करें अपना, अगर हो सके तो अपना थोड़ा अपना तैयारी का पैटर्न, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दिनचर्या होती है, जी। और हर एक स्टूडेंट जो सक्सेसफुल होना चाहता है, कई बार हमने स्वयं भी देखा है, तो हम सक्सेस स्टोरीज जब देखते हैं तो हम देखने चाहते हैं यार ये व्यक्ति क्या करता था, क्योंकि व्यक्ति जो है वो उसकी आदतों का प्रतिफल है। कहीं मैंने पढ़ा था कि पहले व्यक्ति आदतों को बनाता है और फिर वही आदतें उस व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं, ऐसा क्या पैटर्न आपका अध्ययन करा जब भी आपने तैयारी की, थोड़ा इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो भी इसको फॉलो कर सकें। जो प्रश्न आपने किया है, पैटर्न की बात की, अपनी जीवनचर्या की बात की, तो बड़ा बेतुका सा लगेगा, किंतु जीवन में कभी भी किसी टाइम टेबल को बिल्कुल मैंने फॉलो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा तैयारी में ताज्जुब की बात है, टाइम टेबल पर बदलते रहते आप, हाँ, टाइम हैं। टेबल बदलते रहते हैं, बिल्कुल समय अनुसार टाइम टेबल बदलते रहते हैं, बिल्कुल क्योंकि टाइम टेबल बहुत बार बनाए हैं, ऐसा नहीं है, जीवन में 100 से ऊपर बार मैंने भी टाइम टेबल बनाए होंगे अपने अध्ययन के लिए, पर वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होते बिल्कुल हैं, इस चीज फ्लेक्सिबल का रहते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसके लिए मैं जो छात्र छात्राएं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य बनाएं, सबसे पहले अपने लक्ष्य बनाएं, और लक्ष्य कभी भी छोटे ना बनाएं, लक्ष्य ऊंचे बनाएं, उन लक्ष्यों का बखान करें। बखान करने का कहने का अर्थ है कि आप सबको बताएं कि मेरा ये लक्ष्य है। लोग आपको पागल कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, तेरे बस की नहीं है, आज तक नहीं हुआ, तू क्या करेगा, कहीं प्रकार की नकारात्मक बात करेंगे, पर आपको अपने ऊंचे लक्ष्यों को बताना है दुनिया को कि ये मेरा ऊंचा लक्ष्य है। बिल्कुल उसके बाद जब लोग नकारात्मक बात आपको कहेंगे तो आपने उस नकारात्मकता से भी बचना है। ये आपके कैसे बचते हैं ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया आप पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहें और पॉजिटिव विचारों को सुनते रहें। जब आप बिल्कुल ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं तब आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं ऐसा बखान कर रहा हूं, अब उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी बिल्कुल और जरूर करनी पड़ेगी, वरना वो वही बात हो जाएगी कि बखान 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 सब जगह बखान। तो आपके अंदर आवाज आती है कि मुझे इसके लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत करते हैं। जब आप अपने आप को ये लगता है कि अगर नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल तो उस एलकेके के डर से आप अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं। और जब भी अध्ययन करें यह सोच के करें कि जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूं उसको याद करने की कोशिश कभी ना करें, ना मैंने जीवन में कभी किसी चीज को याद किया है, उसको समझने की कोशिश करें। जो भी टॉपिक आप जब भी पढ़ रहे हैं इस प्रकार पढ़ लें कि वो भले ही आप भूल जाएं पर उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी हल्की नजर आपने दोबारा जब भी देखी वो आपको रिवाइज हो जाए। बिल्कुल तो आपने कभी भी किसी चीज को याद नहीं करना है। याद करने वाली चीजें वैसे भी अगर आप देखने लगे याद करने वाली चीजें तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिख जाएगी जिनको आप सोचेंगे मुझे रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा, ऐसी होती बहुत कम है। क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती है उसमें से पूछा कितना जाता है, 8 नंबर 10 नंबर, तो कितना याद करेंगे आप और कितनी क्षमताएं हैं। इसलिए आज का जो कंपटीशन है उसमें मैं किसी भी छात्र को बहुत अधिक रटने की सलाह कभी नहीं दूंगा। आप चीजों को समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ आ जाता है, उस लिखे हुए से आपने जिस चीज को समझ लिया है आप उसको वो कितनी भी दिशा में घुमाएगा आप उस प्रश्न को समझने में सफल होंगे। अगर आप उस जिस भी टॉपिक पर प्रश्न आया है अगर आपने उसको बहुत बारीकी से पढ़ लिया है, बिल्कुल तो मैं यही कहूंगा कि आप टाइम टेबल के लिए, मैं कोई, क्योंकि मैंने खुद जीवन में इस टाइम बिल्कुल टेबल को फॉलो नहीं किया, हाँ, जब भी कम से कम दिन में आपको 5 से 6 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी और जरूर करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप ज़्यादा उचित रहेगा कि आप सुबह का समय चुनें, क्योंकि सुबह जो आप पढ़ते हैं वो बड़े, क्योंकि सुबह का जो शांत वातावरण होता बिल्कुल है तो उसमें आप आसानी से किसी भी चीज को ग्रहण कर पाते हैं, डिस्टरबेंस कम होता है। अगर आप रात्रि में भी लेट नाइट पढ़ते हैं तो उस समय भी ऐसा ही शांत वातावरण रहता है, उस समय भी आप स्टडी कर सकते बिल्कुल हैं, पर अगर आप पढ़ सकते हैं सुबह उठकर तो वो ज्यादा बेटर है, सुबह शाम को स्टडी से बचें, क्योंकि कहा भी गया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप बिल्कुल पढ़ने के चक्कर में, वाइज बनने के चक्कर में हेल्दी ना रह गए, वेल्दी ना रहे, तो कहीं ना कहीं शरीर जब साथ नहीं देता तो आप पढ़ने के इच्छाएं आपकी मरती जाती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सुबह आप कम से कम 2-2.5 घंटे जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक अलग ही एनर्जी आपके शरीर में गुजरती रहती है पूरे दिन भर, जब आप सुबह 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि आपका काम पढ़ना है, और जब आप सुबह 2 से 2.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो एक अलग ही एनर्जी, मैं जैसा बता रहा हूँ, आपके शरीर में दौड़ती रहती है। आप इसको अपने जीवन में आजमा कर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी राजेंद्र जी ने आपको 3-4 महत्वपूर्ण चीजें बताई कि पहले तो आप अपना लक्ष्य बनाएं, टारगेट बनाएं, उस टारगेट को उसको अचीव करने के बाद उस टारगेट को अचीव करने के बारे में चिंतन करें, खुद ही आपको रास्ते मिलेंगे और उन सॉल्यूशंस को आप फॉलो करें। आपके पढ़ने का तरीका, आपके पढ़ने का पैटर्न, आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन स्तर है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग शरीर का स्ट्रक्चर है, सोचने की अलग अलग क्षमताएं हैं और अलग अलग पैटर्न हम कह सकते हैं, दिमाग के अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जीवनचर्या को बनाएं, अपने अध्ययन का समय बनाएं। हाँ, समय एक एक निश्चित महत्वपूर्ण बिल्कुल बात और कहना बिल्कुल चाहूंगा कि कोई चीज आपको अगर नहीं आती है जीवन में बिल्कुल तो उस बारे में कभी पूछने से किसी से हिचकिचाए नहीं, चाहे वो बिल्कुल आपसे छोटा हो सकता है, बिल्कुल आपसे बड़ा हो सकता है। बच्चों के साथ बड़ी समस्या रहती है कि कोई चीज उन्हें मालूम नहीं होती तो वो पूछने में बड़ा हिचकिचाते हैं कि ये इसे भी मालूम नहीं होगी, बिल्कुल जब मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर पढ़ने वाले छात्रों के साथ होता है कि मुझे ही मालूम नहीं है तो इसे क्या मालूम होगी। तो जो चीज आपको नहीं आती है जितनी जगह हो सकती है उसको पूछने की कोशिश करें, और एक जगह से क्लियरिफाई ना करें कि ये इसने बताया तो सही बताया होगा, किसी भी अपने गुरुजन तक को बिल्कुल आप बिल्कुल श्योर ना कभी ना रखें कि इन्होंने बताया तो ये बिल्कुल श्योर होगा, उसको एक जगह, 2 जगह, 3 जगह वेरीफाई अवश्य करें, क्योंकि आज जो किताबों का दौर है, और कई बार क्या होता है कि जो शिक्षक है वो भी कुछ ऐसी स्थान से अपने नॉलेज को बढ़ा लेता है या इन्फॉर्मेशन को ले लेता है कि जहाँ वो इन्फॉर्मेशन क्या है स्वयं में गलत है, तो अपने नॉलेज को क्लियरिफाई करने के लिए 2-3 जगह से अपने इन्फॉर्मेशन ही कहते हैं उसे, क्रॉस नॉलेज चेकिंग की अब क्रॉस बात कर रहे हैं, चेकिंग आप अवश्य करते रहें, ऑथेंटिक चीज को कर रहे और हैं। किसी से भी पूछने में शर्माए नहीं, ये बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल। तो ये मुझे कंसेप्ट कहना था। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी की भी आपने बात की कि आप क्वेश्चन ओरिएंटेड ना होने के बजाय कंसेप्ट ओरिएंटेड होइए। आपका झुकाव प्रश्न की बजाय आपका जो झुकाव है वो कंसेप्ट को समझने में होना चाहिए। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उससे संबंधित उत्तर दे सकते हैं। ये बात भी अभी राजन जी ने आपको बताई है। इसके अलावा आप दिन के कम से कम 5 से 6 घंटे आप अध्ययन को जरूर दें अगर आपका कोई लक्ष्य है, क्योंकि पहले आप लक्ष्य बनाएंगे तभी आप तैयारी करेंगे। तो लक्ष्य बनाएं, उसको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे दिन का दें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और घबराएं नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उसके समाधान को ढूंढें और अपने से जो विशेषज्ञ हैं या अपने साथी जो भी उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनसे उस चीज का ज्ञान लेने का प्रयास करें। ये तमाम बातें राजन जी ने हमें बताई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। तो राजन जी, अब अपनी ओर से आपका क्या संदेश रहेगा? एक संदेश, अब आप एक सेलिब्रिटी हैं एक तरह से हम कह सकते हैं, एज अ सेलिब्रिटी आप क्या संदेश देना चाहते ऐसा हैं? कुछ नहीं है कि मैं एज ए नहीं, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी का हूँ। मतलब है जो व्यक्ति अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि जी लक्ष्य, हालांकि आपका ज्ञान पहले से है, अनुभव पहले से है, लेकिन वो ज्ञान प्लस अनुभव दोनों चीजों ने मिश्रित करके आपके जिस व्यक्तित्व का निर्माण किया है, जिसे सफलता प्राप्त हुई, इसके बाद जब आप दुनिया को देखते हैं, स्टूडेंट्स को तैयारी करते हुए देखते हैं, तो एक संदेश आपके मन में जरूर आएगा कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे, है ना? अंत में एक जो मेरा मोटिवेशन रहा है हमेशा, उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर ऊंचा करो आसमान। क्या बात है, वाह इस वाह बात को आप अपने ध्येय में हमेशा रखें, और कोई, मैंने आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने जीवन में मुझे भी और हर किसी को प्राप्त होते हैं कि आपको मात्र 10% लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के प्राप्त होते हैं, और 90% लोग आपको हमेशा नकारात्मक मिलेंगे, और ना मेरे जीवन में, आप के स्वयं के जीवन में नकारात्मक सोच से मैं बच सका, तो वो मेरा यही थॉट रहा कि अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाकर ऊंचा करो आसमान को। इसको मैंने अपने दीवारों पर लिख लिया था, अपने किताबों के आगे पीछे, कि बार बार ये बात मुझे मोटिवेट करती रहती थी कि मैंने ऐसा ऐसा कहा है, बिल्कुल और मुझे इस बात को अपने जीवन में सत्य साबित करना है। तो ऐसे ही बड़े लक्ष्य, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बड़े लक्ष्य होना चाहिए। लोग आपको कभी
कभी डॉक्टर साहब, कभी इंजीनियर साहब, न जाने क्या क्या कहकर आपको कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचने का प्रयास करते रहते हैं। तो आपने उस नकारात्मकता से हमेशा बचे रहना है। और एक और बात जो ध्यान पर आ रही है, अपने काम को, जो भी आपका काम है, क्योंकि अगर छात्र हैं तो पढ़ना आपका काम है, अगर आप शिक्षक हैं तो पढ़ाना आपका काम है, अपने काम को आप ईमानदारी से करते रहें। उसके बाद जो लोग ईश्वर मानते हैं तो उनके लिए ईश्वर मदद करेगा, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उनके लिए जो अदृश्य शक्ति है जो मदद करती है, तो जो अल्लाह को मानते हैं उनके लिए अल्लाह मदद करेगा, जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए ईश्वर मदद करेगा, और जो नास्तिक हैं, किसी को नहीं मानते हैं, ईश्वर को ही, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते हैं, उनके लिए जो एक अदृश्य शक्ति जिसे कभी कहीं बार ग्रेविटेशनल फोर्स कह लेते हैं, तो वो ऊर्जा आपके लिए काम करती है। और जब आप अपने कर्तव्य में ईमानदार हैं तो आपको मदद अवश्य मिलती है। इस बात को आप बिल्कुल लिख के ले जा सकते हैं मुझसे, और कहीं ना कहीं आपको जीवन में सफलता देगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने अपने जीवन में प्राप्त भी किया है, और ये मेरा अनुभव है कुल मिलाकर। ये जितना भी अनुभव था, अब ऐसा कोई अंतिम संदेश कि मैं एक शब्दों में बातों को समेटूं, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग शुरू से लेकर अब तक मेरी हर बात को अगर आप गौर करें तो वो अपने आप में संदेश ही है। एक बार आप मैसेज को देख लीजिए, किसी का कोई इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल तो उसको जवाब देने की। बिल्कुल ऋतिक सती जी आपको बधाई दे रहे हैं, और हाँ, जितने भी साथियों ने बधाई दे रहे हैं उन सभी लोगों को, करुणा निधान जी भी आपको बधाई दे रहे हैं, विजय सिंह जी भी बधाई दे रहे हैं, और प्रीति नेगी जी भी आपको बधाइयाँ दे रही हैं, गुंजन सुंदरियाल जी आपको बधाई दे रही हैं, टेक विद मी कोई चैनल है, और इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार जी भी आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। और यहाँ पे सत्येंद्र बिस्त जी, सत्येंद्र बिस्त जी का एक प्रश्न भी यहाँ पे है, ये कहना चाहते हैं कि यूजीसी नेट के लिए आप थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूर करें स्टूडेंट्स का। सत्येंद्र बिस्त जी, सत्येंद्र बिस्त जी, आपको बताना चाहूँगा यूजीसी नेट के लिए ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, और इस परीक्षा को पास आउट करने के बाद आप पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी बोलते हैं योग्यता प्राप्त कर लेते हैं इसके, इस परीक्षा को निकालने के पश्चात। ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर अवश्य बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कमेंट आए हैं, कमल, डॉक्टर कमल किशोर जी भी यहाँ पे आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, और साहिल रावत जी भी आपको बधाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग, राजेंद्र जी आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद कर रहे हैं, कमल किशोर जी और साहिल रावत जी, और भी जो लोग जुड़े हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और लाइक जरूर कर दें आप वीडियो को, ताकि पता लगे कितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और शेयर भी आप जरूर करें। और ऋतिक जी यहाँ पे बात कह रहे हैं कि आपके साथ अध्ययन करना अलग ही एहसास रहा है, और आप जीवन की अनवरत यात्रा में हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल, तो ये ऋतिक जी भी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ऋतिक जी का भी लंबा, क्योंकि आपके स्टूडेंट रहे हैं, और कहीं ना कहीं गोपेश्वर महाविद्यालय से, चूंकि अब आप एक तरह से आप विद्यालय से अब नए कार्यस्थल की ओर जब जा रहे हैं, तो वो छात्र छात्राएं भी आपको याद कर रहे हैं, तो ये एक परिचायक है इस चीज का कि आखिर किस तरीके से आपका स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड रहा है, और लगातार वो लोग आपको बधाइयां यहाँ पे दे रहे हैं। कैलाश बिष्ट जी आपको बधाइयां दे रहे हैं, है ना। सत्येंद्र बिष्ट जी का जवाब दे देता हूँ, एनटीए नेट के लिए बता रहे थे, तो आज की डेट में जो नया रेगुलेशन आया है उसके लिए, क्योंकि पहले ही क्लियर करना सही रहता है, मात्र एनटीए नेट की परीक्षा पास आउट करने के पश्चात आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल जरूर हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको पीएचडी करना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि जो उसमें एकेडमिक का भी आप बड़ा योगदान रहने वाला है, जो भी नई नियुक्तियां आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसलिए पीएचडी पर भी विशेष ध्यान दें। जहां तक एनटीए नेट की बात है, उसके लिए आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को पकड़ें, सिलेबस को देखें, क्योंकि जब हमने प्रिपरेशन की थी तब सिलेबस कुछ और था, और वर्तमान में लगभग 40% सिलेबस चेंज हो चुका है। अध्ययन करें जिनको हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें, और इसके अतिरिक्त ऐसे टॉपिक्स भी देखें जिनको आपने आज तक अध्ययन नहीं किया है, उन टॉपिक्स को, उनका जो मैटर है उसके लिए, अगर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात है तो उसके लिए मैं बुक सजेस्ट बार बार करता रहता हूँ, और अभी भी आप चाहते हैं तो कुछ बुकें हैं, जैसे थॉट में है तो जीवन मेहता की बुक काफ़ी हेल्पफुल रहती है, इसके अतिरिक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
लक्ष्मीकांत जी की बुक है वो मददगार रहती है, लोक प्रशासन में भी लक्ष्मीकांत की बुक है वो मददगार रहती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डॉक्टर बीएल फड़िया हैं वो मददगार रहते हैं, जहाँ तक तुलनात्मक राजनीति की बात है तो सीबी गैना, इन 5 बुक से भी आप अध्ययन करते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है तो उसके लिए मैंने बुक्स बताई, और अगर अनदर सब्जेक्ट के भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को लें, सिलेबस के बाद अपने जो पीछे जिन बच्चों जिन जिन्होंने इस परीक्षा को क्लियर किया हुआ है या अपने टीचरों के माध्यम से कुछ अच्छी बुक्स का चयन करें, और उन टॉपिक्स को जिनको आप कवर कर सकते हैं उनको ज़्यादा तैयारी के साथ पढ़ें। हम करते क्या हैं कि जो टॉपिक्स हमको आते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो टॉपिक्स नए होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर ऐसा हो जाता है कि हम अपने जो टॉपिक्स पर पकड़ है उनको भी भूलते जाते हैं और नए टॉपिक्स को भी पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत करता है। और क्योंकि फर्स्ट पेपर भी इसमें अब महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वो जो कि जीके जीएस का होता है, और उसकी नंबर और सेकंड पेपर के नंबर मिलाकर ही आपका टोटल परसेंटाइल बनाया जाता है, तो इसलिए फर्स्ट पेपर भी पर भी अवश्य फोकस करें। उसके लिए बीएड के सिलेबस को एक बार अवश्य देखें, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई बुक ले सकते हैं आप, उससे प्रिपरेशन करते रहें, और रीजनिंग पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे हैं, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंसन हो गया, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, पैराग्राफ हो गया, जहाँ से आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक वैसे उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कक्षा 10वीं और 12वीं में इनका अध्ययन करते हैं, उसी स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपकी पकड़ अवश्य होनी चाहिए। और हमने देखा है पीछे अपने साथियों को प्रिपरेशन करते हुए कि वो इन क्वेश्चंस में ही क्या है गलतियाँ करते हैं, और यहाँ जो नंबर का नुकसान होता है वो उनकी टोटल परसेंटाइल को कहीं ना कहीं कम कर जाता है, और जो उनके लिए हानिकारक होता है। तो मेरा ख्याल है सत्येंद्र बिष्ट जी को उनका जो प्रश्न था उसका सवाल जवाब मिल चुका होगा। बिल्कुल अगर आप सत्येंद्र बिष्ट जी के लिए है कि अगर आप अलग से सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के कैसे प्रिपरेशन किया जाए, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8755453300, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकता हूँ। जितने भी लोग हिमांशु थपलियाल जी के चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर वो राजनीति विज्ञान से संबंधित या ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल से, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए है कि हमारे पहाड़ों के जो छात्र हैं उनको क्योंकि एक ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे कि वो ऐसे बड़े एग्जाम्स को क्लियर करने की सोच सकें, तो उसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि उनको मदद की जाए, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो ना केवल अपने विषय में बल्कि अन्य विषय के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वो उनके माध्यम से आपको मदद पहुंचाई जा सकती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये भी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हम डाल देंगे। मेरे छात्रों का सहयोग रहा, और पिछले वर्ष क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण का बिल्कुल कार्य चल आप रहा लोगों था। के लिए ये चीज जरूर राजेंद्र जी को मेंशन करना चाहेंगे कि पिछले एक वर्ष के अंदर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना करके उसको ग्रो करके और उसको मोनेटाइज कर लिया। मतलब ये मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर टारगेट होता है उसको कंप्लीट करके आप एक ऑथेंटिक यूट्यूबर बन चुके हैं, उसके लिए मैं आपको बधाइयां देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। वो ये दोनों बड़ा यात्राएं आपके साथ साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूट्यूब को एक तरह से मोनेटाइज करना, दोनों यात्राएं आपकी मुझे लगता है साथ साथ ही एक तरह से पूरी हुई है। हाँ, साथ साथ ही है, बिल्कुल तो वो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत से ज्यादा मैं ये कहूँगा कि छात्रों का जो सहयोग रहा, कि क्योंकि सभी जगह अध्ययन अध्यापन का कार्य ऑनलाइन चल रहा था, तो क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण का यूट्यूब से अच्छा जरिया मुझे दिखाई नहीं दिया कि जिससे छात्रों की अटेंडेंस को भी प्राप्त किया जा सके, बिल्कुल और छात्र को ऐसा भी हमारे शिक्षक हमारे साथ में हैं और लाइव भी में इसका ऑप्शन होता है तो उससे लाइव बन जाता है, प्रीमियर प्रीमियर के माध्यम से चीज़ें लाइव बन जाती है, बिल्कुल तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं छात्रों का सहयोग रहा तो वो चीज़ मैं अचीव कर पाए। बिल्कुल। यहाँ पे किंतु कुछ लोग बधाइयां भी दे रहे हैं। अभी आशुमन सिंह जी आपको बधाई दे रहे हैं। आशुमन जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत कैलाश धन्यवाद रावत आशुमन जी। जी आपसे आग्रह कर रहे हैं कि समय समय पर ऐसे ही लाइव आकर के पहाड़ के जो छात्र छात्राएं उन्हें मार्गदर्शन आप देते रहें। बिल्कुल
और कैलाश काम, बिष्ट जी, हाँ आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा और कामिनी और बिष्ट पिछले जी आपको एक साल बधाइयां दे से रही हैं। बकायदा हम ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं तो ऐसे 8-10 वीडियोस में डाल चुका हूं जो कि कहीं ना कहीं छात्रों अगर पूरा सुनते हैं तो उनको मोटिवेट कर सकते बिल्कुल, हैं। कामिनी बिष्ट जी भी आपको बधाइयां दे रही हैं और कामिनी बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी का प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और बाकी सभी लोग राजेंद्र जी को बधाइयां जरूर देते रहें साथ में। तो ये पूरी यात्रा अभी राजेंद्र जी ने अपनी वर्णित की है, यहाँ पे पूरी चीजें बताई हैं और अभी सत्येंद्र जी का प्रश्न था उसका उत्तर भी दिया। मैं भी उत्तर थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आप राजेंद्र आप सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा राजेंद्र जी के चैनल से भी आप लोग जो लोग जुड़े जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इनके चैनल को भी साथ में जाकर के सब्सक्राइब करें। इनका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे और जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी इससे जुड़ जाएं और साथ में आप कनेक्टेड जुड़े रहें बने रहें क्योंकि समय समय पर आपके यूज़ का हम लोग कंटेंट यहाँ पे लाते रहेंगे, चाहे NTA नेट की प्रिपरेशन से संबंधित हो, पेपर वन की तैयारी से संबंधित हो, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है पिछले कुछ वर्षों में और राजेंद्र जी लगातार पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो जो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस में स्पेशल डीपली जाना चाहते हैं तो वो इनके चैनल को जरूर देखें। उसमें लगभग सारी प्लेलिस्ट बना करके इन्होंने क्लास वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस पॉलिटिकल साइंस के इस चैनल पर डालने की कोशिश की है। साथ में पेपर वन के ऊपर मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ रही है, स्पेशलिटी रही है। तो पेपर वन के ऊपर मैं आगे भी आपको वीडियोज देता रहूँगा जो लोग पेपर वन, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कंपटीशन को देखते हैं तो मुझे जितने भी यहाँ पे लोग मिलते थे पहले जब नेट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता था तो सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर लाते थे लेकिन पेपर वन के कारण बहुत सारे लोगों का नेट रह अटकता जाते था, हैं, रह रह जाता जाते था, अभी भी रह जाता है। तो वो लोग अभी भी परेशान रहते हैं, अभी भी पूछते हैं कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। KVS मदान की एक बुक वहाँ पर चलती है पेपर वन के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हमने बताई है पेपर वन से रिलेटेड। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा। आप लोगों को किसी वीडियो की डिमांड हो तो आप बेझिझक आप हमें मैसेज करें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से करें, चाहे यूट्यूब पर ही आप कमेंट कर लें, तो हम जरूर आप कोई टॉपिक देते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए तो हम बनाते हैं, राजन जी भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तो जरूर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। राजन जी, मैं चाहूँगा कि कुछ आप कुछ पंक्तियाँ अक्सर गुनगुनाते हैं कुछ कविता की, तो काफ़ी जी प्रेरित करती हैं, तो कुछ मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट को जरूर सुनाएं। नहीं, अभी गला भी साथ नहीं दे जी रहा है। और नहीं, गाना नहीं, कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ, कुछ कोई प्रेरक कविता आपके जीवन में जो रही हो, एक जीवन से संबंधित कविता आप कई बार सुनाते हैं, एक बार आप जरूर उसको भी छात्र छात्राओं के लिए। कक्षा 6 में था उस समय, बिल्कुल बड़ा जो मेरा भाई था वो इस कविता को गुनगुनाता था। बिल्कुल वो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे। जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर टूटे उन तारों पर वाह, कब अंबर सौर बचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। ये पंक्तियाँ क्या मैं बात है, इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल जो छात्र, क्योंकि एक बार बड़ी मायूसी होती है कि मैंने एक अपने बड़े समय को गवा दिया है और आगे मेरे पास कुछ रहा नहीं है, तो उनके लिए था। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी कविता है। मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल उनकी कविता है ये, अमिताभ बच्चन के कविता हरिवंश है, राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता जी है। जी 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 थोड़ा सा क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट पहले से ही वीक रहा है तो मेरा ख्याल है कि हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। जी और कहीं ना कहीं आप कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। और मेरा ख्याल काफ़ी समय हम ले चुके बिल्कुल हैं बिल्कुल और काफ़ी लोग तो मज़े आनंद ले रहे हैं सुनने में, और बिल्कुल समय हमको कहीं ना लाइक कहीं भी विदा करते रहे ले, साथ में आप समय बिल्कुल हमको विदा लेने के लिए अब प्रेरित कर रहा है। जी, और आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से हमें सुना, कम से कम मैं देख रहा हूँ कि 4-5 छात्र बड़े उत्सुकता के साथ जब आप हमको सुनते बिल्कुल हैं। अगर आप 5 मिनट के बाद हमको सुनना बंद कर देते तो हम कहे कहाँ से पाते। तो इतनी गंभीरता दिखाते हुए आप लोगों ने मुझे सुना। थपलियाल जी ने मुझे ये अवसर दिया कि अपने चैनल के माध्यम से जो उनके लोग हैं उन लोगों तक मेरी सक्सेस स्टोरी को पहुंचाना चाहा। तो कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी बड़ी बात नहीं होती है जीवन में, पर
प्रेरणा जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मोटिवेट कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मेरा जीवन में मानना है कि हो सकता है कोई बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति आपको प्रेरणा ना दे पाए, पर कोई छोटी सी घटना, छोटी सी शब्द आपको आसपास के व्यक्ति से लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं दे दे। तो क्योंकि मेरे साथ भी ये रहा है, इसलिए हिमांशु थपलियाल जी ने ये अवसर मुझे दिया, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला आज। हमारे सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जो लगातार आज हमारे साथ बने रहे, इंटरेक्ट करते रहे और अपने प्रश्न, अपनी बातें, अपने सुझाव, अपने विचार हमारे सामने प्रकट करते रहे। और बहुत अच्छा एक ये सत्र रहा है। और राजेंद्र जी के बारे में तो अब क्योंकि इतना बड़ा इनका व्यक्तित्व है, इतने बड़े इनके जीवन के अनुभव हैं, तो मतलब अकल्पनीय है, हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी कहानी आपको शायद किसी और की मिले, लेकिन उन बिरलों की ही एक कहानी होती है और उनमें एक राजेंद्र जी हैं। तो इनके लिए एक शायर मुझे याद आ रहा है कि जिंदा रहते हैं वो लोग जो मौसम का सितम सहते हैं, जिंदा रहते हैं वो लोग जो मौसम का सितम सहते हैं, वरना पत्ते तो गिर जाते हैं, पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। तो ये ऐसा व्यक्तित्व राजेंद्र जी का है। तो राजेंद्र जी, आपने हमें बहुत बहुत अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी आप हमारे साथ समय समय पर लाइव आते रहेंगे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहेंगे। आप सभी लोगों से मैं डिमांड करना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राजन जी के चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक इत्यादि पर भी आप फॉलो करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और हमसे कनेक्टेड रहें, ताकि आने वाले टाइम पे आपके लिए हम और भी ऐसे सारे इंटरव्यूज लाएं, ऐसे बहुत सारे स्टडी की स्ट्रेटेजीज लाएं जिससे आपको मदद मिल सके, जिस चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप निसंदेह बेझिझक हम तक पहुंचाएं। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद राजन जी।